मैंने आपको बोला ही था कि सैमसंग दिवाली पर कुछ अच्छे मॉडल लेकर आने वाला है। S24 FE के बाद में सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग A16 5G फोन, और ये फोन आपके बजट के अकॉर्डिंग होने वाला है, जिसमें सारे फीचर्स होने वाले हैं जो आपको जरूरत के होते हैं। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जल्दी से करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और आज बताते हैं आपको कि सैमसंग A16 कैसा होने वाला है, अच्छी सी पैकिंग में फोन पैक हो क्या है। इससे पहले देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बॉक्स में सैमसंग की साइड से मिलने वाली है कुछ बुकलेट, हाँ मिलने वाली है आपको C2C का अच्छा डाटा केबल आपको मिलने वाला है, एक मिलने वाला है आपको सिम नॉइज जिसे आप सिम निकालने के लिए काम में लेंगे। तो इन सबको करते हैं साइड, टॉप करते हैं फोन का अनबॉक्सिंग। काफी अच्छी तरीके से पैकिंग होकर फोन आया है, बटर पेपर में फोन पैक होके आया है, और आपको दिखाने वाला हूँ कि गोल्ड कलर का फोन हमने आपके लिए मंगाया, तो काफी अच्छी तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी सैमसंग ने बनाई है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ आपको राइट साइड में पावर की बटन मिलने वाला है, साथ ऊपर की साइड में आपको वॉल्यूम वॉकर्स मिलने वाले हैं, और माइक का सेंसर आपको ऊपर साइड में आपको देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट मिलने वाला है, जिसमें आपको ड्यूल सिम वन टाइम पे यूज करने के लिए मिलने वाली है। यहाँ आपको सी टाइप का चार्जिंग स्लॉट मिलने वाला है और स्पीकर का ग्रिल मिलने वाला है। तो सैमसंग का A16 आपको बैक साइड से काफी ग्लोसी सा देखने को मिल रहा है, प्योर गोल्ड के जैसा। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो ये आपको प्लास्टिक फ्रेम में मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा भी है, क्योंकि ग्लास पैनल अगर होता है तो टूटने के बाद में काफी बड़ा खर्चा होता है, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। अब देखते हैं इसके बैक साइड के कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको मेन सेंसर कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, जिसमें काफी अच्छी क्वालिटी फोटोज आपको देखने को मिल रही है, और काफी अच्छा पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे सैमसंग के फोन के साथ से देखने को मिल रहा है। 3 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें आप 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर बैक कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप 120 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो सैमसंग ने काफी बड़ा चेंज किया है इस फोन। अब बात करें सैमसंग A16 5G के डिस्प्ले क्वालिटी की, यहाँ पर आपको 6.7 इंचीज का सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, और 90 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, लेकिन फोन में आपको सेंटर पंच होल के बजाय वाटर ड्रॉप नॉच मिला है, जो कि थोड़ा सा कम रह गया है। और यही अगर बात करें इसकी बेजल्स की, तो काफी बड़ी बेजल्स आपको फोन में देखने को मिलने वाली है। फोन का डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, लेकिन अगर बात करें अदर फीचर्स की, तो वहां पर सैमसंग ने थोड़ा सा कंजूसी दिखाई दी है। तो इसके बाद में बात आती है फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट मिलता है, साथ में आपको ऑक्टा कोर 2.4 का CPU का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। फोन आपको 3 अलग अलग वेरियंट में मिलने वाला है, 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB के वेरियंट के साथ में फोन देखने को मिलने वाला है। यही अगर बात करें रैम की, तो आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट आपको फोन में देखने को मिलेगा। इन सब के बाद में बात आती है कि फोन का पावर देने के लिए फोन में यूज किया 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 25W का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात आती है फोन के अदर फीचर की, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलने वाला है, फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलेगा, और बात करें अगर स्पीकर की, तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर का सपोर्ट भी फोन में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं फोन की स्पेशल मोमेंट, मतलब फोन के प्राइस के बारे में, तो फोन आपको 17,000 रुपये से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, और 21,000 तक फोन आपको टॉप एक्सपीरियंस के साथ में मिलने वाला है। तो गाइस ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टेक कैरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आते हैं।